तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप लोगों का कीवी फ्रूट में लगभग ट्रेनिंग तक की सारी चीजें देख ली हैं। इसमें हमने बॉटनी, टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन, उसका ओरिजिन, हिस्ट्री, प्लांटिंग, प्रोपगेशन और ट्रेनिंग, इतनी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब इस क्लास में हमारा बचा हुआ है प्रूनिंग, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन और क्या है आपका, फिर मेच्योरिटी, ग्रोथ कर्व, हार्वेस्टिंग और डिजीज इंसर्ट करते हुए अपनी वैरायटी। इतनी चीजों को हम लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करना है, ठीक है? तो हम लोग जो है इसमें प्रूनिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो चीजें हम लोगों को देखना है। अच्छा, प्रूनिंग से रिलेटेड समर प्रूनिंग का किसी का डाउट था, वो एक्चुअली बेसिक हॉर्टिकल मतलब जनरल हॉर्टिकल्चर में बेसिक सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो वाला सेक्शन ना ग्रेप में कवर होगा। अभी मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं कीवी फ्रूट में कैसे प्रूनिंग करते हैं वो बता देता हूँ, फिर वो जो बेसिक वाला पोर्शन है उसको मैं ट्रेनिंग प्रूनिंग के टाइम में बता दूंगा, ठीक है? तो देखिए आपका क्या होता है, देखो जो आपका कीवी फ्रूट है, ठीक है, कीवी फ्रूट की खासियत क्या है कि कीवी फ्रूट अपने आप में सबसे पहले तो क्या है, ये एक वाइन क्रॉप है। सबसे पहले अपने को पता है कीवी फ्रूट क्या है, वाइन क्रॉप है। अब वाइन क्रॉप है तो क्या हुआ, मान के चलिए ये जमीन है और यहाँ पे हमने इसके लिए ये स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो इस स्ट्रक्चर में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो धीरे 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 इस पूरे पौधे को पूरा ऊपर ट्रेन करना पड़ता है, ऊपर चढ़ा दिए यहाँ पे। यहाँ ऊपर में चढ़ाने के बाद एक रॉड हम लोग इधर चलाएंगे, एक रॉड इधर चलाएंगे, इस टाइप से हम लोग एक से दो रॉड डेवलप करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केन, या फिर क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं ना, कोडॉन वो बोलते हैं। इस ब्रांच में मतलब हमारा देखो जमीन से एक सिंगल ब्रांच आया, जमीन से एक सिंगल ब्रांच आया, उसमें हमने लगभग दो ब्रांचेस का डेवलपमेंट किया। अब ये जो दो ब्रांचेस हैं इसमें हम लोग कई सारे छोटे 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 और ब्रांचेस लेते हैं, ठीक है? इस तरह से हम छोटे छोटे ब्रांचेस लेते हैं। एक बार ये ब्रांचेस हम लोग ले लिए, अब देखो फर्स्ट ईयर में तो आप किसे ही ऊपर ले जाओगे, सेकेंड ईयर में इसे लोगे, थर्ड ईयर में फाइनली ये वाले ब्रांचेस आपको मिलते हैं। जब ये वाले ब्रांचेस 1 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, 1 ईयर ओल्ड हो गए मतलब ये क्या कहलाएंगे, केन्स कहलाएंगे। जब ये ब्रांचेस 1 ईयर ओल्ड हो जाते हैं फिर इसमें कुछ करेंट सीजन ग्रोथ आते हैं, इसमें कुछ ग्रोथ आता है, इसमें जो ग्रोथ आता है ना इस करेंट सीजन ग्रोथ में हमको फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो इस चीज को, कि भाई पहले तो आपको प्लांट का जैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग में 3 साल तक आप ट्रेनिंग करते थे ना, प्लांट को डेवलप करते थे, फिर उसमें 1 ईयर ओल्ड या करेंट सीजन सूट में ग्रोथ आता था, वैसे ही आप इसमें भी क्या करोगे, पहले प्लांट को ग्रो करोगे, पहले प्लांट का स्ट्रक्चर बनाओगे इतना, फिर इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नए नए ग्रोथ आते जाएंगे, करेंट सीजन ग्रोथ, और इसमें आप जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग को लेते जाओगे, या एक और ऐसे ब्रांचेस आप लेके उसके करेंट सीजन ग्रोथ में आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हो। यहां तक अच्छी समझ में आ रहा है, यस ठीक है? अब देखो एक एक ब्रांच में हम लोग 4 से 5 फ्लावरिंग शूट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको 3 4 चीजें समझनी है कीवी फ्रूट में। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जगह हमारे पास इतना ही है, मेन प्लांट के पास तो पूरा ग्राउंड होता है फैलने को, पर वाइन क्रॉप के पास क्या है, जितना नेट का इलाका आप दिए हो उतना ही है। अब इसी इलाके में इसको फ्रूटिंग भी करना है, प्लस एक दूसरे को सनलाइट प्रॉपरली मिले इसका जगह भी मैनेज करना है। समझ पा रहे हो, इतने ही जगह में उसको फ्रूटिंग भी करना है और इतने ही जगह में उसको क्या करना है, एक दूसरे के लिए सनलाइट और सारी चीजों के लिए जगह भी मैनेज करना है। तो ओवर क्राउडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है वाइन क्रॉप्स में, चाहे आप कीवी फ्रूट को ले लो चाहे ग्रेप को ले लो, बहुत जल्दी जो ब्रांचेस है वो एकदम डेंस हो जाते हैं, फिर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलता, एरेशन प्रॉपर नहीं मिलता, तो जो ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा वाइन क्रॉप में देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी ये जो वाइन क्रॉप्स हैं इसमें हम लोग साल में 2 बार प्रूनिंग करते हैं, ट्वाइस प्रूनिंग करते हैं। समझ रहे हो, कितने बार करते हैं, 2 बार। पहला प्रूनिंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंट प्रूनिंग कहते हैं, या फिर विंटर प्रूनिंग कहते हैं। विंटर के सीजन में हम लोग जो है जो प्रूनिंग करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, डोरमेंट प्रूनिंग या विंटर प्रूनिंग। वहीं पे दूसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समर प्रूनिंग कहते हैं या फिर अप्रैल प्रूनिंग कहते हैं। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, अप्रैल प्रूनिंग कहते हैं इसे, दिसंबर प्रूनिंग कहते हैं, शब्द सुने हो ये, ठीक है? आप समझो ये पूरा कहानी आप लोग को लास्ट में समझ में आएगा, अभी बस एक बेसिक्स को पकड़ते चलिए, ठीक है? तो हम लोगों के वाइन क्रॉप में चूंकि ओवर क्राउडिंग की समस्या देखने को मिलती है इसलिए हम लोग को 2 बार प्रूनिंग करना पड़ता है, एक हमारा डोरमेंट प्रूनिंग और दूसरा हमारा समर प्रूनिंग, ठीक
ठीक है, विंटर प्रूनिंग और समर प्रूनिंग, टोटल कितने बार प्रूनिंग कर रहे हैं हम लोग? दो बार। दो बार। अब देखो, दो चार छोटे छोटे चीजों को समझना है। प्रूनिंग के लिए हमेशा, प्रूनिंग का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप पौधे के शेप को मेंटेन कर रहे हो, आप इसके प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हो, प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे हो, तो आपको ये बताना चाहिए कि फूल किसमें आएगा, फल किसमें आएगा, उसके हिसाब से ही तो आप जो है उसमें पूरा प्रूनिंग शेड्यूल करोगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात? यस सर। ओके, तो जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो आप लोगों को याद होगा हमने क्या देखा था कि प्रूनिंग करते समय हमने ये देखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांच में फ्रूटिंग कब तक आती है, कहाँ आती है, कितने साल पुराने में आती है, ये डिटेल हमेशा लेते थे हम। उसी के बेसिस पे हमने प्रूनिंग शेड्यूल डिसाइड किया था। अब प्रूनिंग का कतई ये मतलब मत निकालना कभी भी कि डेड डिजीज ब्रांच को रिमूव करना प्रूनिंग कहलाता है। वो तो एक कैजुअल प्रूनिंग प्रोसेस है जो आपको हर प्लांट में करना ही है, पर एक्चुअल प्रूनिंग प्रोसेस क्या होता है उसको हमको समझना है। ठीक है, तो देखो अगर हम प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो आपका कीवी फ्रूट है, ये कीवी फ्रूट में फ्लावरिंग सबसे पहले किसमें आती है? तो कीवी फ्रूट में फ्लावरिंग कौन से ब्रांच में आती है बताइए? करंट सीजन ग्रोथ, करंट सीजन ग्रोथ में। और ये करंट सीजन ग्रोथ को लाने के लिए, ये करंट सीजन ग्रोथ खुद कौन से ग्रोथ में आती है? 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ में। आप कहीं कहीं पे 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ भी मेंटेन मिलेगा। तो याद रखना कि एक ऐसा ब्रांच जो खुद कम से कम 1 साल पुराना हो जाए, जिसे हम केन कहते हैं, उसमें जब करेंट सीजन ग्रोथ आती है तो इस ग्रोथ में फ्लावरिंग होती है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? मान के चलो ये 1 ईयर ओल्ड ब्रांच है, इसमें फिर क्या हुआ, इस साल के विंटर के बाद नया ग्रोथ आया जिसका 1 से 2 महीने का एज हो गया है, इस ग्रोथ में हमारी फ्लावरिंग आएगी। ये चीज क्लियर है? यस ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं पोजीशन की बात करूं, फ्लावरिंग पोजीशन की, तो वो कौन सा आएगा, टर्मिनल आएगा कि एक्सियल? एक्सियल ऑक्सिलरी या फिर लीफ एक्सियल में वो आएगा फ्लावरिंग। और उसमें भी बेसल बड में आएगा कि टर्मिनल बड साइड के में आएगा? बेसल 4 to 6 बड में ही फ्लावरिंग आती है। समझ में, मतलब यहीं पे 1 2 3 4 यहीं यहीं के आसपास फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है आपकी लगने वाली है, और इससे ज्यादा आगे फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं लगता, आगे सिर्फ पत्तियां आती हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसका मतलब ये आगे का ग्रोथ हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो हमारा जो है, जैसे ही हमको समझ में आ गया कि करंट सीजन ग्रोथ में फ्लावरिंग आती है, इन चीजों को समझना, रिलेट करोगे तो प्रूनिंग अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब करंट सीजन ग्रोथ बोला मतलब उस ब्रांच की उम्र कितनी होनी चाहिए? 4-5 महीने 4 5 महीना हुआ तो फिर गया, सीजन खत्म हो गया ना। 4 महीने का तो सीजन होता है, 102 2 से 3 महीना अधिकतम, 1.5 से 2 मंथ के आसपास अगर हमारा ब्रांच का उम्र है, 1.5 2 मंथ 3 मंथ मैक्स टू मैक्स 4 मंथ, तो उसमें अगर फ्लावरिंग आती है तो करेंट सीजन ग्रोथ कहेंगे। अब 6 महीना हुआ तो 1 ईयर ओल्ड हो जाता है ना, मैंगो में हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, है नहीं? तो आपका 1.5 2 मंथ की कम से कम ये मिनिमम एज होनी चाहिए ब्रांच की जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग लग सकती है। आप लोगों ने करेंट सीजन ग्रोथ गुआवा में देखे हो ना, हमको अगर जुलाई में फ्लावरिंग चाहिए तो हम जून मई में हम लोग प्रूनिंग करते हैं, तो नया ब्रांच बनता है उसमें जुलाई में फ्लावरिंग आता है, तो 2 ही महीने का तो उम्र होता है ना? तो करंट सीजन ग्रोथ में अगर हमको फ्लावरिंग चाहिए तो हमको जो है ब्रांच 1.5 से 2 महीना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कीवी फ्रूट को लूं तो कीवी फ्रूट का फ्लावरिंग टाइम क्या है भैया? अप्रैल अप्रैल टू मई अप्रैल है ना, अप्रैल मई इसकी फ्लावरिंग टाइम है, अप्रैल मान के चलो। अब अगर अप्रैल में फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो सितंबर अक्टूबर में एक ब्रांच बनेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, यानी कि बिफोर विंटर, ठंड आने से पहले, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर तो क्या हो जाएगा, डोरमेंसी आ जाएगा ना, डोरमेंसी में कोई ब्रांच बनेगा? सर। मान लो कि नवंबर के महीने भी अगर कोई ब्रांच बना है तो नवंबर के बाद कौन कौन सा महीना आएगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया जी? 1 2 3 4 और नवंबर मिला के 5, तो क्या ये करेंट सीजन ग्रोथ रह गया? नो सर। नहीं। तो अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर के ब्रांच को हम पौधे में छोड़ भी दें,
या इसके भरोसे बैठे फ्लावरिंग आएगा तो क्या इसमें फ्लावरिंग आने की उम्मीद है? कम है सर। कम है, नहीं आएगी ही नहीं मान के चलो, ठीक है, क्योंकि इसकी खासियत ही नहीं कि उसमें फ्लावरिंग आएगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, डेढ़ दो तीन महीने की फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पास क्या होगा, अगर हमको ऐसा चाहिए तो फरवरी मार्च के महीने में जब आपकी डोरमेंसी जो है क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। डोरमेंसी कब फिनिश हुई? फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में जो न्यू ब्रांच बनेंगे वो हमारा 1.5 से 2 मंथ या 3 मंथ का क्राइटेरिया को कवर करेगा फ्लावरिंग के लिए, है ना। तो फरवरी मार्च में जो हमारा ब्रांच बनेगा वही हमारे लिए अगले साल, वही हमारे लिए क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ब्रांच का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, है ना। अब ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे फ्लावरिंग फ्रूटिंग चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है मेरी बताइए, क्या होना चाहिए पौधे में? फरवरी मार्च के महीने में ब्रांचेस बनने चाहिए। अब अगर मुझे फरवरी मार्च के महीने में ब्रांच बनाना है तो ब्रांच बनाने के लिए हम लोग, नया ब्रांच लाने के लिए हम लोग कौन से टेक्निक का उपयोग करते हैं, कौन सा प्रूनिंग टेक्निक यूज करते हैं जी? विंटर प्रूनिंग तो ठीक है, उसमें करूंगा क्या पूरा थिनिंग आउट कर लूंगा, पोलार्डिंग करूंगा, हेडिंग बैक करूंगा, क्या करूंगा भाई? ये एक ब्रांच जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं दो तीन महीने में, मतलब मैं चाहता हूँ फरवरी महीने में मैं यहाँ साइड से नया नया ब्रांच निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को यहाँ से काट दूंगा क्या? हेडिंग बैक सर, हेडिंग बैक। यहाँ से जैसे ही काटूंगा एपिकल डोमिनेंस घट जाएगा, यहाँ से नया ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम हेडिंग बैक करेंगे। हेडिंग बैक इस प्रकार करेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने में नया ब्रांच आए। अब अगर मुझे हेडिंग बैक करना ही है, हेडिंग बैक जो कि एक प्रूनिंग का टेक्निक है, ठीक है, तो मैं हेडिंग बैक करूंगा। वो हेडिंग बैक मैं कौन से महीने में करूंगा? ऑब्वियसली दिसंबर जनवरी में प्रीफर करूंगा ना भाई, ताकि पौधे को चोट कम लगे, शॉक कम लगे। हम लोग विंटर में ही तो प्रूनिंग करते हैं ना, डोरमेंट कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, दिसंबर जनवरी में या फिर नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी मान के चलो, इसमें हम क्या करते हैं, पौधे में हेडिंग बैक करते हैं। हेडिंग बैक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर जनवरी में जब हेडिंग बैक करते हैं तो मान के चलो ये एक ब्रांच था, ये एक अभी अभी एक साल का बना, एक साल हुआ, कंप्लीट हुआ होगा, ऐसा ब्रांच भी हो सकता है, या तो ये वही ब्रांच हो सकता है जिसमें पिछले साल फ्रूटिंग आया था। दोनों ही ब्रांच को हम क्या करेंगे, यहां तक काट देंगे। जब यहां तक काट देंगे तो यहां से नया ब्रांच आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यस सर। और इसी ब्रांच में फिर अगले सीजन क्या आएगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, है ना। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या समझ में आया, विंटर प्रूनिंग या डोरमेंट प्रूनिंग का क्या काम है बताओ? बताओ भाई, अभी तो समझे हो, क्या काम समझ में आया? इंडक्शन ऑफ करंट सीजन ग्रोथ, इंडक्शन ऑफ करंट सीजन ग्रोथ फॉर द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, है ना। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाने के लिए करंट सीजन ग्रोथ का सूट का प्रोडक्शन करना किसका काम है, विंटर प्रूनिंग। तो अगर कोई पूछे विंटर प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया फ्रूटिंग सूट का फॉर्मेशन करना, फ्रूटिंग सूट का डेवलप करना, फ्लावरिंग फ्रूट लाने के लिए हम लोग विंटर प्रूनिंग करते हैं। क्लियर है ये चीज? एक बेसिक समझ रहे हैं, फिर सिस्टमेटिकली भी समझेंगे, ठीक है, ये क्लियर है? Yes, yes, sir. अब मान के चलिए, अब भाई अप्रैल के महीने में तो फ्लावरिंग आ गई, अब फ्लावरिंग आ गई मतलब हमको समझ में आ गया कि फूल तो लगे, अब जहां पे फूल लगे वहीं तो फल लगेगा ना, जहां फूल ही नहीं है वहां थोड़ी अचानक से फल डेवलप हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो नए ब्रांचेस बने हैं करेंट सीजन वाले, ठीक है, इन ब्रांचेस में फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है कौन से बर्ड तक आता है, कहाँ पे आता है? बेसल बर्ड। अभी ये यहाँ से कट गया ना, तो बेसल बर्ड में आएगा, यहाँ पे है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे बस फ्लावरिंग आएगा, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये ब्रांच बस यहीं तक ग्रो करेगा या ये आगे भी ग्रो करेगा? आगे भी ग्रो करेगा, आगे भी ग्रो करेगा,
अब ये इतना बड़ा प्लेट है, इसमें जब फ्लावरिंग यहीं तक आना है तो इसको आगे तक ग्रो करने दूंगा तो क्या करेगा ये, ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। आजू बाजू का ब्रांच जो है उससे ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं? इससे क्या होगा, नीचे जो फल है फूल है वहां पर पत्तियों का डेंसिटी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे को शेडिंग का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा आपका पौधा जो है खराब होगा, एक वेजिटेटिव ग्रोथ एक्सेस में होगी, जरूरत से ज्यादा होगी। तो क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में अप्रैल के बाद से, फ्लावरिंग आ जाने के बाद से हम इसे भी कट करना चालू करते हैं। यहाँ पे हम प्रूनिंग क्या फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं क्या? नो सर, नहीं, यहाँ पे हम प्रूनिंग क्यों कर रहे हैं? ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए। और ये हम कब करेंगे, फ्लावरिंग फ्रूटिंग शूट के आगे 6 से 8 बड के आगे जो बड होगा वहां से हम काटना चालू करेंगे ताकि हमारे प्लांट में ओवर क्राउडिंग ना हो। समझ आ रहा? तो ओवर क्राउडिंग, शेडिंग, एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग कौन से प्रूनिंग का यूज करते हैं, विंटर या समर? समर। फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग लेटरल्स या शूट्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग कौन सा प्रूनिंग करते हैं? विंटर। अब ये जो समर प्रूनिंग है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है पूरा ग्रोइंग सीजन में, क्योंकि शेडिंग इफेक्ट बार बार आते रहता है। अब इसको आप कौन से समय में करते हो, इसी हिसाब से आपके हैंडबुक में अर्ली, मिड और लेट दिया है कि फ्लावरिंग ये तुरंत बाद अप्रैल में कर दिया तो अर्ली समर प्रूनिंग, फिर मिड समर प्रूनिंग मई में किया तो जून में किया तो लेट समर प्रूनिंग, लाइक दैट। ठीक है, तो वो चीज हम लोग प्रूनिंग के टाइम में पढ़ेंगे या ग्रेप के टाइम में, मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग को विंटर प्रूनिंग और समर प्रूनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसकी जरूरत क्या है? यस जी सर। ठीक है, अब इसमें कुछ खास चीजें अगर लिखाने लायक होगी तो वो मैं एक बार आप लोगों को देख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम लोग अगर मान के चलो विंटर प्रूनिंग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसमें डॉर्मेंट प्रूनिंग कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब देखो हमने पहले क्या किया, हेडिंग बैक किया एक शूट में, तो क्या हुआ, करेंट सीजन ग्रोथ डेवलप हुआ, करेंट सीजन ग्रोथ में क्या हुआ, फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ गई। अब क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने समर के महीने में यहाँ को कट करना चालू किया ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो। अब मान के चलो कि अब सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, अब भैया नवंबर का महीना आ गया इसका मतलब क्या है, अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी खत्म हो गया, अब तो पौधा डोरमेंसी में जाने वाला है और अगले साल के फरवरी मार्च में इसका डोरमेंसी टूटने वाला है। अब ये जो करेंट सीजन ग्रोथ है ये कितना ग्रोथ हो गया अगले साल के फरवरी मार्च आते तक? ये जो करेंट सीजन ग्रोथ, यानी कि मान के चलो 2020 के फरवरी मार्च में जो बना था ब्रांच जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आई थी, 2021 के फरवरी मार्च में वो करेंट सीजन ग्रोथ रहेगा? नो सर। क्या हो जाएगा वो? वन ईयर ओल्ड हो जाएगा। तो क्या इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग की क्षमता है? नो सर। अब इसमें फिर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो अगर आजू बाजू में जगह होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग बैक करेंगे और यहाँ से साइड ब्रांचेस जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे हेडिंग बैक कर देंगे, यहाँ से भी तो कुछ नई ब्रांचेस निकलेंगी ना और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले लेंगे तो फिर से विंटर प्रूनिंग होगा। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, फ्लावर आएगा, फिर ये ओवर क्राउडिंग करेगा, इसको भी ऐसे कट कट करके मेंटेन करेंगे, समर प्रूनिंग, ये चैनल कट चलते रहेगा। एक जो सिंगल ब्रांच है ना इसमें जो करेंट सीजन ग्रोथ है ये सब में हम लोग लगभग 3 ईयर तक लेते हैं फ्लावरिंग, मतलब ये एक मेन मेन ब्रांच हो गया ये जिसमें हम करेंट सीजन ग्रोथ बार बार ले रहे हैं ना, तो इसमें हम लगभग 3 साल तक लेते हैं, उसके बाद इसको पूरा काट देते हैं, फिर नया डेवलप करते हैं 1 ईयर ओल्ड, फिर उसमें फ्लावरिंग लेते हैं। समझ में आ रहा? तो एक बार जो 1 ईयर ओल्ड हो गया जिसमें हम लोग करेंट सीजन ग्रोथ लेना चालू करेंगे फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, कितने साल तक लेंगे, 3 साल तक। समझ में आ रहा जी सर? इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा पौधा है उसको मैं कितने हिस्सों में बांटूंगा? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को याद होगा कौन सा क्रॉप था, पियर था या चेरी था क्या? 5 साल तक फ्लावरिंग होती, फ्लावर शूट में वो आता था, स्पर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती थी, कौन सा क्रॉप था वो? चेरी था जहां तक। तो हम लोग 1/5 हिस्से को ही वो करते थे, याद है, प्रून करते थे, पूरा कंप्लीट रिमूव करते थे ताकि 6वें साल का गैप ना हो, बताया था ये चीज, याद है जी सर। वैसे ही
यहाँ पे अब अपने पता है ये वन ईयर ओल्ड बना लिया, ये वन ईयर ओल्ड बना लिया, ये वन ईयर ओल्ड बना लिया, अब इसी में करेंट सीजन में बार बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले रहे हैं। अब 3 साल बाद तो भैया ये तीनों वन ईयर ओल्ड खत्म हो जाएंगे ना, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, तो इसमें कितना करेंट सीजन ग्रो कर लो, फ्रूटिंग आएगी नहीं या कम आएगी, तो एक साथ पूरा गैप पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा पौधे के यील्ड में 1 साल के लिए। तो उससे अच्छा मैं ये कर सकता हूँ इस साल ये वाले को पूरा काट के केवल इन दोनों से फ्लावरिंग लूं, अगले साल तक क्या हो जाएगा यहाँ पे वन ईयर ओल्ड तैयार हो जाएगा तो ये वाले काट दूं और इधर से पूरी फ्लावरिंग लूं, फिर अगले साल तक यहाँ जब डेवलप हो जाएगा तो ये वाले काट दूंगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली हर साल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा। तो इसीलिए 1/3 ऑफ वन ईयर ओल्ड शूट को हर साल काट दिया जाता है ताकि कंटिन्यूअस फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलता रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो याद रखेंगे जो विंटर प्रूनिंग है, विंटर प्रूनिंग जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्मेंट या फिर दिसंबर प्रूनिंग कहते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, ये कब चालू होता है, स्टार्टेड जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हार्वेस्टिंग ही अक्टूबर नवंबर तक चलती है और दिसंबर में हम चालू कर देते हैं, तो हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं इसको सोचूंगा कि मैं इसको इस मार्च अप्रैल के महीने में करूंगा तो भाई तब तक तो स्प्रिंग आ जाएगा, प्लांट एक्टिव ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा, तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग इसको बिफोर मिड फरवरी खत्म कर देते हैं ताकि मिड फरवरी में भी ब्रांच बनना चालू हो तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का रहेगा अप्रैल में फ्लावरिंग आते तक। ठीक है, क्लियर है? जी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान के चलो ये एक पौधा है और इसमें ये हमने मेन रॉड डेवलप किया है, अब हम चाहते हैं कि हम इसी में करेंट सीजन ग्रो कर करके हम लोग जो है फ्रूटिंग ले, तो जिस भी ब्रांच में हम लोग करेंट सीजन ग्रो करना चाहते हैं उस ब्रांच को हम लोग जो है दिसंबर जनवरी के महीने में हम लोग क्या करते हैं, केवल 2 बड तक, यानी कि 2 गांठें जो होती है ना नोड, केवल 2 बड तक हम लोग क्या कर देते हैं, हेडिंग बैक कर देते हैं। समझ में आ रहा? डॉर्मेंसी के टाइम में केवल 2 बड तक हमने क्या कर दिया, इसको हेडिंग बैक कर दिया। अब ये 2 बड तक जब हम हेडिंग बैक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे करेंट सीजन ग्रोथ आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, है ना? तो क्या होगा, अब मैं एकदम शुरू से बता रहा, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ग्रोथ आए, अब ये एकदम स्टार्टिंग वाला है, अब इस ग्रोथ को हम जो है थोड़ा सा 1 साल और ग्रो होने देंगे, शुरुआती अवस्था की बात कर रहा हूं। अब मेरे पास एक पौधा था जिसको मैंने शुरू में ग्रो किया, अब ये पौधे से लगभग 4-4 1 ईयर ओल्ड शूट अपने को एक एक साइड मिल गए, मान लो ये हमारा नेट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 साल तक तो ग्रो होने दूंगा, अब फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब मैं फ्लावरिंग लेने के लिए तैयार हूं, मेरे पौधे का आर्किटेक्चर तैयार हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, अगले साल समर वमर में इसको हम लोग जो है जैसे तैसे ग्रो करेंगे, फिर क्या होगा, अगले साल से हम लोग इसको हर 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 सीजन आपका जो ठंड का सीजन आएगा तो आप इसको 1 से 2 वेजिटेटिव बड तक काटते जाओगे, यहां से 3-4 करेंट सीजन ग्रोथ निकलेगा, है कि नहीं? इन करेंट सीजन ग्रोथ में क्या होगा, फ्लावरिंग आता जाएगा, फ्लावरिंग आया उसके बाद समर के सीजन में ये ओवर क्राउडिंग ना कर दे करके आप और कट करते जाओगे, इस तरीके से समर प्रूनिंग करके वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करोगे, विंटर प्रूनिंग करके इसमें कंटिन्यूअसली आप जो है क्या करोगे, फ्लावरिंग शूट का फॉर्मेशन करोगे। जैसे ही 3 से 4 साल हो गया इन ब्रांचेस को, जैसे ही 3 से 4 साल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इनको रिमूव करना चालू करोगे, क्योंकि भैया उसके बाद इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो चीजों को? क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है, तो आपका जो आपको बस इतना याद रखना है कि हम 1 ईयर ओल्ड शूट में हेडिंग बैक करते हैं विंटर सीजन में ताकि उसमें करेंट सीजन ग्रोथ का डेवलपमेंट हो और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, तो विंटर सीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लावरिंग शूट फॉर्मेशन करना। अब अगर हम लोग समर प्रूनिंग की बात करें तो समर प्रूनिंग कब होता है, तो सबसे पहली बात तो अप्रैल के महीने में होता है, याद रखेंगे, ठीक है,
और ये जो है केवल एक बार कट करके छोड़ देने वाली बात नहीं है, ये पूरे सीजन भर चलता है, क्योंकि ओवरक्राउडिंग बार बार हो सकता है। जैसे ही रेनी सीजन आएगा, पानी गिरेगा, तो अचानक से वेजिटेटिव ग्रोथ और बढ़ेगा ना, तो वहां पर भी आपको कट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूज थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, पूरा ग्रोइंग सीजन जब तक चलता है ना, सितंबर अक्टूबर, तब तक ये डोरमेंट प्रूनिंग, ये समर प्रूनिंग चलते रहता है समय देख देख के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करना, टू अवॉइड शेडिंग, शेडिंग को अवॉइड करना, टू अवॉइड एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, एक्सेस में वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसको अवॉइड करना, शेडिंग करना, ओवरक्राउडिंग करना, इन सब चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग समर प्रूनिंग करते हैं। तो आपको कुल मिला के प्रूनिंग से ये चीज समझ में आ गया होगा कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए विंटर और वेजिटेटिव ग्रोथ मेंटेन करने के लिए समर, ये दो चीज क्लियर है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आप लोग एमएससी में आके एक बार सीख ही लेंगे। ठीक है जी, ठीक। अब देखो इसके, अब ये तो उसका हो गया, अब भाई फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए हम लोग कौन से फ्रूटिंग किसमें लगेगा, मेल में फीमेल? तो क्या होता है कि मेल ट्री और फीमेल ट्री दोनों में प्रूनिंग की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। फीमेल ट्री क्या होगा, पौधे में फूल बनाएगा और यही फूल आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, फल में, और ये फल जो है क्या होगा, पूरा अपने आप को डेवलप करेगा। मेल ट्री क्या होगा, फूल बनाएगा, और ये फूल क्या फल बनाएगा मेल ट्री का? नो सर। नो सर। अब दोनों एक ही खेत में लगे हैं, सेम न्यूट्रिएंट कंडीशन, सेम फर्टिलाइजर यूरिया, इसको जो दोगे फीमेल को वही मेल को भी दोगे कि नहीं दोगे? तो इनकमिंग फीमेल ट्री में भी उतना ही है, मेल ट्री में भी उतना ही है, न्यूट्रिएंट, मिनरल, हर एक चीज का, पानी, एवरीथिंग। लेकिन आउटगोइंग किसका ज्यादा है, मेल ट्री का कि फीमेल ट्री का? फीमेल का। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट आएगा, पहले फूल में खर्चा करेगा, फिर फूल से फल बनाएगा, तो आउटगोइंग फीमेल ट्री का ज्यादा है ना। मेल ट्री का क्या, फूल आया, पोलन डेवलप किया, झड़ गया, अब इसके पास ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिनरल बच रहे हैं ना फीमेल ट्री के कंपैरिजन में, बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? यस सर। यस सर, बच रहे हैं। अब फीमेल ट्री का न्यूट्रिएंट को पूरा फ्रूटिंग में लगा देता है, मेल ट्री लगाएगा क्या? मेल ट्री क्या करेगा, उसको पूरा किस में लगाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, मेल ट्री की फीमेल ट्री की? मेल का। मेल ट्री की। मेल ट्री, क्योंकि सारा एनर्जी, सारा न्यूट्रिएंट, सारा फूड मटेरियल सिर्फ फ्लावरिंग में यूज होता है, उसके बाद बाकी पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ है, जबकि फीमेल में वेजिट फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग में, और उसमें पूरा खत्म ही हो जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि मेल ट्री में प्रूनिंग ज्यादा नेसेसरी है कंपेयर टू फीमेल ट्री, समर प्रूनिंग वाला जो सेक्शन है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें ज्यादा ओवर क्राउडिंग की समस्या आएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रोथ आता है। ठीक है, तो समर प्रूनिंग हम लोग जो है मेल ट्री में ज्यादा करते हैं, ये प्रॉब्लम को याद रखना। क्लियर है जी? यस सर। मेल ट्री और फीमेल ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया सब लोगों को? सर एक बार और समझा देना। यस सर। देखो ऐसा है कि मेल ट्री में सिर्फ फूल लगते हैं, फल नहीं लगते, तो मेल ट्री के पास जितना एनर्जी है वो जो है फूल के बाद फल ना बना के किसमें खपत करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में। जबकि फीमेल ट्री के पास फूल लगता है, फूल के बाद फल लगता है, तो उसके बाद जो एनर्जी फूल के बाद बच जाता है वो फल बनाने में लग जाता है, तो वो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में उतना एनर्जी नहीं लगा पाता। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होता, होता है, लेकिन मेल ट्री के कंपैरिजन में कम होता है। तो चूंकि मेल ट्री में ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, तो ओवर क्राउडिंग की समस्या मेल ट्री में ज्यादा आएगी, तो हम लोग मेल ट्री में प्रूनिंग को ज्यादा समर प्रूनिंग करते हैं कंपेयर टू फीमेल ट्री। ठीक है, यस ओके। अब हम लोग अगर इसी फ्लावरिंग की बात करें, तो वैसे तो फ्लावरिंग हम लोगों ने बॉटनी में पूरा क्लियर कर लिया है, अप्रैल मई के महीने में इसमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में लेट आती है, स्प्रिंग फ्रॉस्ट से ये बच जाता है। ठीक है,
दो से तीन साल बस इसमें क्या होता है वो होता है जुवेनाइल फेज होता है, दो से तीन साल के बाद ये कमर्शियल बियरिंग में आ जाता है, याद रखना। केवल और केवल हेवर्ड वैरायटी ऐसी है जो ज्यादा लंबा समय लेती है, मतलब जैसे नहीं होता आम लगाए तो 7-8 साल के बाद फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू करता है, अपना कीवी फ्रूट जो है 2 से 3 साल में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू कर देता है, याद रखना। एक्सिलरी बियरिंग होती है, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। लीफ एक्सिल में आती है, कितने में आती है, बेसल, कितने बड में, 4 to 5 बड में आती है, ठीक है। करेंट सीजन ग्रोथ में आता है, लिख चुके हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो सिंगल आता है किसमें, फीमेल में, और इनफ्लोरेसेंस के रूप में यानी कि कंपाउंड डाइकेशियम के रूप में, ग्रुप में जी, ग्रुप में यानी कि ग्रुप आया मतलब कोई अरेंजमेंट होगा, तो कंपाउंड डाइकेशियम इनफ्लोरेसेंस के रूप में आता है मेल में, ऐसा नहीं कि फीमेल में भी नहीं आ सकता, उसमें भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। फ्लावरिंग यस सर, सभी लोगों को समझ में आ रहा, ठीक। अब ये आपका इनफ्लोरेसेंस बन गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये फीमेल में भी होगा ना, ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होगा, फीमेल में भी कंपाउंड डाइकेशियम हो सकता है, इसमें ग्रुप में फ्लावरिंग कभी कभी आ सकती है, ठीक है। अब ये मान के चलो कि इसमें कंपाउंड डाइकेशियम बना, अब ये फ्लावरिंग हुआ, तो इसमें सबसे पहले कौन सा फ्लावर ओपन होगा, ये साइन का एग्जाम्पल है ना, टर्मिनल वाला पहले ओपन होगा कि लेटरल वाला, हमेशा जो रेसिम टाइप के होते हैं उसमें लेटरल पहले होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर खुलता है, लेकिन ये जो डाइकेजियम मोनोकेजियल टाइप होता है इसमें ऊपर से नीचे की ओर खुलता है, तो टर्मिनल पहले खुलेगा फिर लेटरल खुलेगा। अब कई बार क्या होता है, ये जो फूल है, जो टर्मिनल और लेटरल फूल है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, फ्यूजन ऑफ टर्मिनल एंड लेटरल फ्लावर, ठीक है, ये देखने को मिलता है फ्लावर या फ्लावर बड इसके फ्यूज हो जाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फैसिनेशन कहते हैं, नाम है ये शब्द याद है, फैसिनेशन क्या होता है, ये टर्मिनल और लेटरल फूल आपस में आके फ्यूज हो जाते हैं। अगर ये फीमेल फ्रूट फ्लावर है तो ये जो फैसिनेशन होगा इससे क्या होगा, ये तीनों फ्लावर फ्यूज होके एक अजीब सा शेप का फूल बना लेगा ना तीनों के तीनों, तो उस फूल से अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैसिनेटेड फ्रूट, क्योंकि वो कौन से फ्रूट फ्लावर से बना है, फैसिनेटेड फ्लावर से बना है, समझ में आ रहा है। yes. इस डिसऑर्डर को फैंस कहते हैं, ऐसे फ्रूट जो फैसिनेटेड फ्लावर या फैसिनेशन होने के बाद जो फूल बना उससे बनते उसे हम लोग फैंस कहते हैं, FANS, ये मैं आगे और बताऊंगा। तो फैसिनेशन समझ में आ रहा है, कई बार क्या होता है कि आपका जो फूल होता है टर्मिनल और लेटरल वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को फैसिनेशन कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा फैसिनेशन आप पाइनएप्पल में पढ़ते हो और आप किस में पढ़ते हो, सपोटा में, तीनों जगह का टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, एक में डिजीज है, ठीक है, किसका है ये, सपोटा में, सपोटा फ्लैटनिंग ऑफ लिम बोलते हैं ना जिसे, और वहीं पे मल्टीपल क्राउन पढ़े हो आप, मल्टीपल क्राउन पाइनएप्पल में याद है, वो भी फैसिनेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो तीनों जगह का नाम याद रखना भैया, ठीक है, फैसिनेशन कहाँ कहाँ, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी में भी आएगा, उसके बाद कीवी फ्रूट के अलावा सपोटा और पाइनएप्पल, पूछा गया क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। सर स्लाइड नीचे करिए थोड़ा। हाँ, फैसिनेशन समझ में आया सबको, हो गया सर। अब आ जाते हैं पॉलिनेशन में। अब देखो, मेल और फीमेल तो सबसे पहले तो अपने पता है क्या, ये डायोसियस क्रॉप है, यानी कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग पौधे में पाए जाएंगे, तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी,
पॉलिनाइजर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो 1:8 के रेशियो में मेंटेन करते हैं। ये चीज हमको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। डायोसिया से फंक्शनली तो हमको क्या करना है, 1:8 के का वो में हमको जो है मेल फीमेल को मेंटेन करना है, ये चीज क्लियर है। अगर कीवी फ्रूट में बढ़िया साइज चाहिए तो एक बात बताओ, किसी भी फ्रूट में फ्रूट का साइज बड़ा होने के पीछे किसका हाथ होता है? सीड का। कौन सी ऐसी चीज होती है जो फ्रूट साइज को मेंटेन करके रखती है, या किसके नहीं होने से फ्रूट साइज छोटा हो जाता है? सर सीड के सर। सीड 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 होने से हमेशा फ्रूट साइज बड़ा होता है। आप जयपुर देख लो, आप जो है कस्टर्ड एप्पल देख लो, दोनों पढ़े थे हम लोग। एवोकेडो में भी देखियो सीडलेस फ्रूट बनता है, तो पियर शेप से फ्रूट जो है सिगार शेप्ड हो गया था, याद है? तो सीड के ना होने से फ्रूट में कमी आती है, मतलब सीड जितना कम फ्रूट उतना छोटा। तो याद रखें कीवी फ्रूट में मोर देन 1000 सीड की आवश्यकता होती है प्रॉपर साइज मेंटेन करने के लिए, ये लिख लो सबसे पहले। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉलिनेशन इम्प्रॉपर हुआ तो एक तो फ्रूट सेट अफेक्ट होगा, फ्रूट की सेटिंग कम होगी, और उसके अलावा अगर मान लो फ्रूट सेट हो भी गया तो दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा, फ्रूट साइज रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मुझे पॉलिनेशन भरपूर मात्रा में चाहिए, मुझे फ्रूट साइज एकदम अच्छे मात्रा में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? अब ये अगर विंड पॉलिनेटेड क्रॉप होता तो मैं क्या करता, मुझे तो भाई इतने सीड चाहिए तभी शेप अच्छा आएगा, तो मैं क्या करता विंड पॉलिनेटेड क्रॉप होता तो? हैंड पॉलिनेशन करता, खुद जाके एश्योर करता कि कम से कम 1000 से ज्यादा पॉलिन जाए तभी तो सीड बनेंगे। अब चूंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड है तो मुझे खुद जाना चाहिए या मैं किसी भेज सकता हूँ? हम हनी बी हाइव या जो भी इसका पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर पॉलिनेशन को फॉलो करने के लिए हम जो है पॉलिनेटर की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब इसके पॉलिनेशन में एक तो समस्या है, इसका जो पोलन का जो एंथर है जहां पे पोलन बनता है वो आसानी से खुलता नहीं है। इसको खुलने के लिए हमको एक तो स्पेसिफिक बज साउंड चाहिए होता है। बज साउंड यानी कि भौरा को देखियो नहीं आप लोग, वो क्या कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम क्या बोलते हैं ना, करके करते हो तो पूरा वाइब्रेशन फील होता है, योगा किए होंगे? यस सर। वैसे ही वाइब्रेशन करता है कौन, भौरा। जब भौरा उड़ता है तो पूरा वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं होता है, उसके पंख के कारण पूरा आवाज मिल जाता है। तो वो जो वाइब्रेशन वाला साउंड है, जब वो साउंड इस एंथर को मिलता है वो फ्रीक्वेंसी, तभी ये एंथर पोलन को झड़ाता है, और तभी जाके कोई भी पॉलिनेटर चाहे वो भौरा हो या कोई दूसरा हनी भी हो, वो उस पोलन को मेल से फीमेल की ओर ले जा सकता है। तो ये मेल से फीमेल की ओर ले जाने के लिए पोलन जो है रिलीज कब होगा, जब हमको क्या देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर बर्ड्स, है ना, बस यानी कि उसे पंखे को उड़ाने से जो कंपन पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगा, वो वाइब्रेशन से क्या होता है, पौधा जो है पोलन को रिलीज करता है एंथर जो है, समझ रहे हो? तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है जो किसी इंसेक्ट के द्वारा उसके पंख से क्रिएट किए हुए बस के कारण सक्सेसफुल हो पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस पॉलिनेशन कहते हैं। मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो देख लो फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं। मुझे बताइएगा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? ये देखिए साउंड आ रहा है क्या? नो सर। अभी साउंड आ रहा है? नो सर। आप लोग को साउंड आ रहा है? नो सर। साउंड आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना, ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये पोलन, ये जो आपका बम्बल भी है ये फूल में आके लग रहा है, लेकिन ना ये जो आपका एंथर है ये पोलन रिलीज नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये देखो ये पंख को अपना हिला, अरे यार सॉरी, आप देख रहे हो, देखो ये अपने पंख को शेक करना स्टार्ट कर रहा है, दिख रहा है इसका पंख एकदम तेज वाइब्रेशन के साथ शेक हो रहा है। तो जब ये तेज वाइब्रेशन के साथ जब उसको शेक करता है ना, तो क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे क्या होता है, ये पोलन यहाँ पे ना एंथर से रिलीज होता है, और उससे क्या होता है आपको
वो पॉलन जो है निकलते हुए दिखते हैं और वो इसके पैरों में लग के फिर वो जो है दूसरे प्लांट तक जाता है। ये नीडल से एग्जांपल है कि जैसे मान के चलो नीडल को आप एक जमीन में मार दोगे तो क्या होगा, नीडल में भी यार लोहे का कोई तार होता ही नहीं जैसे मान के चलो, तो लोहे को भी अगर आप किसी फ्लोर में से मारोगे तो भी छन करके बसता कि नहीं बसता है लोहा, एक सेकंड के लिए वाइब्रेशन आ जाता है। उसी चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे कि देखो हमने लोहे को एक फ्लोर में मारा तो उसमें भी वाइब्रेशन आ गया, उसी वाइब्रेशन होते हुए लोहे को अगर आप पोलन में ले जाके अगर डालोगे ना तो उसका पोलन रिलीज हो जाएगा, देखना वही चीज करके दिखा रहा। ये देखो ये लोहे को इसने यहाँ पे मारा, देखो इसको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है ठीक है, वो मार के यहाँ पर लेके गया और इसे टच बस किया और देखो पोलन झड़ना चालू, दिख रहा है उड़ते हुए छोटा छोटा, तो वाइब्रेशन से ही पोलन रिलीज होता है। तो ये वाइब्रेशन हमको कहाँ से देखने को मिलता है, बम्बल बी से देखने को मिलता है। ये वीडियो मैं आप लोग के ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो इस प्रकार से बम्बल बी जब अपना पीछे से पंख को तेजी से हिलाता है ना तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और पोलन रिलीज होता है, और रिलीज होकर उसके पैरों में लग जाता है और बाकी इंसेक्ट लोगों को भी पोलन देखने को मिलता है जिससे पोलिनेशन होता है। तो इस प्रकार के पोलिनेशन को बस पोलिनेशन कहते हैं, जरूरी नहीं कि उसी से ही हो, आप दूसरे तरीके से भी आर्टिफिशियली वो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी के फूल में जाके वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, उससे अच्छा बम्बल बी की मात्रा बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है भैया, याद रखेंगे बस पॉलिनेशन। बस पॉलिनेशन क्या है लिख लीजिए, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन वेयर द पॉलन इज नॉट released from anther unless the anther is vibrated at a particular frequency. By the wing of by the wing buzzing of particular insect. समझ में आ रहा क्या लिखा है यहाँ पे कि भैया ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन है जहां पे पॉलन तब तक रिलीज नहीं होगा, पॉलन इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम एंथर अनलेस जब तक एंथर को वाइब्रेट ना किया जाए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के विंग बजिंग के द्वारा, मतलब एक इंसेक्ट के विंग के हिलने से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जब साउंड एक तैयार होता है उससे जब तक वो पॉलन को वाइब्रेट ना किया जाए मतलब एंथर को वो पॉलन को रिलीज नहीं करेगा, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम बस पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? ये हमको कीवी फ्रूट में देखने को मिलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार देख लेना ऑडियो के साथ और समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्लियर है आप लोगों को? 1:8 या 1:9 को टिक करना है। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे क्या सर? स्लाइड बैक थोड़ा कीजिए। स्लाइड, हाँ ये लिख लीजिए, हो जाएगा फिर बताना, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये टोटल आप लोगों का फ्लावरिंग हो गया, पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद आपको फ्रूट सेट को बढ़ाना है तो बी हाइव के नंबर बढ़ा लीजिए। एक एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी होता है जिसमें लगभग 10,000 सीट की आवश्यकता होती है, वो वाला जो है ना 1,000 सीट है या 10,000 है वो मैं आप लोगों को एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। एक वैरायटी है उसमें भी हैंड पॉलिनेशन करते हैं, कीवी फ्रूट हैंड पॉलिनेशन का चौथा एग्जांपल है, हेवर्ड है शायद। हो गया, हो गया ठीक। हैंड पॉलिनेशन टोटल कितने क्रॉप में करते हैं जी बताइए? ठीक, अब देखो अब नेक्स्ट आता है क्या आपका फ्रूट ग्रोथ कर्व, फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे इसमें ये एकमात्र क्रॉप है जिसमें हमको ट्रिपल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। ये कौन कौन से वैरायटी में देखने को मिलता है? ब्रूनो, एबॉट, हेवर्ड, सभी में ही देखने को मिलता है।
ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो अगर कोई वैरायटली पूछे तो ब्रूनो एबॉट और हेवर्ट को याद रखना, अदरवाइज कीवी फ्रूट को। ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में ग्रोथ कैसी होती है ये ऑलरेडी मैं ग्रोथ कर्व वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो एक बार वीडियो देख लेना अगर देखना होगा तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करके सीडलेस फ्रूट भी डेवलप कर सकते हैं जिब्रेलिन वगैरह का यूज करके, पर अगर फ्रूट सीडलेस हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए? साइज छोटा हो जाएगा, फ्रूट का स्ट्रक्चर चेंज क्या हो जाएगा, फ्रूट साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी मैच्योरिटी इंडाइस देखें, ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, मैच्योरिटी, तो कलर वलर में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई बदलाव नहीं होता, फर्मनेस में कोई बदलाव नहीं होता, ना ही फ्लेवर में कोई बदलाव होता है, ना ही अरोमा में कोई बदलाव होता है, खुशबू फ्लेवर अरोमा सब कुछ वैसा ही रहता है। तो अगर सब कुछ वैसे ही रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे इसको मैच्योरिटी इंडेक्स किसे मानेंगे? तो याद रखना 6.2%। हाँ क्या बोल रहे, टीएसएस अगर 6.2% हो जाए तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड जो है ना, उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए मैच्योरिटी इंडेक्स माना है 6.2% को। दूसरा, डे फ्रॉम फुल ब्लूम, फुल फ्रूटिंग आने से 190 से 200 दिन को हम जो है क्या मानते हैं, मैच्योरिटी इंडेक्स मानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ क्या लिखा है, न्यूजीलैंड, सर सेकंड वाला क्या पता, डीएफएफबी, डे फ्रॉम फुल ब्लूम, फुल फ्लावरिंग आती है ना, उससे 190 से 200 दिन गिन लेते हैं कैलेंडर में और उससे हम लोगों को लेते हैं कंप्यूटेशनल मेथड, मैच्योरिटी इंडेक्स का पढ़े होगे ना, वो यही चीज है। तो खैर इसका मैच्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पता होना चाहिए बस थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके okay. अब देखो ये हो गया मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी अगर हम लोग लोअर एलिवेशन की बात करें, लोअर एलिवेशन मतलब क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा, ये थोड़ा सा वार्म होगा और ये क्या होगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूल, तो किसमें जल्दी मैच्योरिटी आएगी, लोअर में कि हायर में? लोअर में। तो आप देखोगे कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक लोअर एलिवेशन में मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, जबकि हायर एलिवेशन में लास्ट वीक ऑफ नवंबर से लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आता है। अब देख लो, नवंबर दिसंबर जब बर्फ गिरने का चांसेस आ जाता है, ऑटम का सीजन आ जाता है, तब इसमें फ्लावरिंग हार्वेस्ट हो रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो हुआ नहीं है, ऑटम ससेप्टिबल, ऑटम फ्रॉस्ट ससेप्टिबल, समझ रहे हो? ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कौन से क्रॉप में हार्वेस्टिंग जो है डॉर्मेंट सीजन या फ्रॉस्ट सीजन या विंटर सीजन से कोइंसाइड करता है, तो देख रहे हो इसमें हार्वेस्टिंग जो है नवंबर दिसंबर तक जा रहे हैं, मतलब यही है जो कि डॉर्मेंट सीजन तक कोइंसाइड कर रहा है, लिख लो हार्वेस्टिंग कोइंसाइड्स विद द कमेंसमेंट ऑफ डॉर्मेंट सीजन, डॉर्मेंट सीजन से कमेंस मतलब वो होता है, ठीक है, इसको याद रखना, इसीलिए फ्रॉस्ट डैमेज होने का चांस बढ़ता है, फ्रॉस्ट डैमेज का चांस होता है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, एक बार हार्वेस्टिंग हो गई उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि इसमें दो प्रकार के फ्रूट, हमने दो प्रकार की स्पीशीज देखे, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा और दूसरा एक्टिनिडिया चाइनेंसिस, कौन से स्पीशीज में हेयर जो है झड़ जाते हैं,
नहीं दिया चाइनेंसिस चाइनेंसिस लेकिन कुछ में एक में स्टिफ था और नहीं छड़ते हैं डिलीशियस कौन सा है जी डेलिशियोसा डेलिशियोसा में आपके हेयर जो है वो नहीं झड़ते हैं तो जिसमें नहीं झड़ते हैं उसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे पहला क्या काम करते हैं फ्रूट्स रब्ड विथ कोर्स क्लोथ ठीक है कोर्स क्लोथ से हम लोग क्या करते हैं रबिंग करते हैं ताकि उसका जो स्टिफ हेयर है वो रिमूव हो जाए टू रिमूव स्टिफ हेयर ठीक है उसके हेयर्स को रिमूव क्योंकि वो गड़ेगा ना हाथ में सामने वाले कस्टमर और हैंडलिंग करने वाले को तो हेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्रूट्स को रबिंग करते हैं क्लॉथ के साथ ठीक है ये चीज याद रखेंगे क्लियर है हार्वेस्टिंग समझ में आया राइपनिंग की बात करेंगे तो ना ही ये क्लाइमेट्रिक है ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक नाइदर क्लाइमेट्रिक मतलब नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब ये दोनों की तरह बिहेव नहीं करता ठीक है ये क्या होता है इसको एक बार मैं हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के टाइम में समझाऊंगा ठीक है मेरे को भी थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा इसको ठीक क्लियर है yes, ठीक है तो इस तरीके से आपका मैच्योरिटी हार्वेस्टिंग राइपनिंग समझ में आता है नाइदर क्लाइमेट्रिक नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक एकदम याद रखना ट्रिपल सिग्मा कर्व एकदम याद रखना इच्छा है और स्टोरेज की बात है तो लिख लो 1.7 डिग्री सेल्सियस 95 से 100% आरएस थोड़ा भी गर्मी मिलता है इसको तो पूरा पिचक जाता है तो आरएस बहुत ज्यादा रहता है इसमें ठीक है क्लियर है यहाँ तक ठीक बस 10 मिनट का और बच गया है ये नोट कर लिए सब स्टोरेज 1.7 डिग्री सेल्सियस 95 से 100% आरएच अब आ जाते हैं डिसऑर्डर में तो डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है जिसे कहते हैं फ्लैट्स फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि विड्थ ज्यादा हो जाएगी फ्रूट की और लेंथ कम हो जाएगी फ्रूट विड्थ मोर देन लेंथ लेंथ से ज्यादा विड्थ हो जाती है ठीक है ऐसे कोई कॉज वॉज का अता पता नहीं है बस फ्लैट्स का एक चीज होता है याद रखना दूसरा होता है जिसे कहते हैं फेंस फेंस क्या होता है फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम फैसिनेटेड फ्लावर फैसिनेटेड फ्लावर से डेवलप होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं फेंस कहते हैं इसके अलावा एक आता है जिसे कहते हैं हार्ड कोर हार्ड कोर मतलब क्या हुआ नाम से क्या समझ में आ रहा है ये फ्रूट है तो इसका कोर क्या होगा सेंटर होगा अर्थ का कोर सेंटर में है कि नहीं है समझ रहे हो अब ये सेंटर का कोर जो है क्या हो जाए हार्ड हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे हार्ड कोर कहेंगे अब ये हार्ड क्यों रह जाएगा क्योंकि यहाँ पास राइपनिंग नहीं हो पाई मतलब राइपनिंग अगर कोर में फेल हो जाए तो वो जगह सॉफ्ट ना होके हार्ड हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे हार्ड कोर कहेंगे समझ में आया ठीक है ये क्यों होता है ड्यू टू एक्सपोजर एक्सपोजर टू इथाइलिन विथ CO2 मोर अबव 8% अगर 8% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाले कमरे में आप अगर इथाइलिन से ट्रीट कर दोगे तो हार्ड कोर होता है कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें इथाइलिन से ट्रीटमेंट करने से ब्लीडिंग की समस्या आती है पिस्ताचियो नट तो इस तरीके से बहुत सारे डिसऑर्डर हैं एक बार आप लोग बुक खोल के पढ़िएगा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है व्हाइट हार्ड कोर व्हाइट कोर ट्रांसलूसेंसी ग्रेनिनेस वगैरह है वो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं ठीक है एक बार आप लोग देखना नहीं समझ में आएगा तो बताना इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में इसमें याद रखना एक तो है टू स्पॉटेड माइट अब टू स्पॉटेड हो या 10 स्पॉटेड माइट हो माइट का एक ही नाम आप लगभग सुनोगे टेट्रानिकस यूट्रिके लगभग यही नाम पढ़ते हो टेट्रानिकस यूट्रिके ये याद कर लेना और दूसरा आता है जिसे कहते हैं ग्रीडी स्केल अब अजीबोगरीब नाम है करके लिखा रहा ग्रीडी स्केल हेमी बिरलेशिया
हेमिबरलेशिया रेपेक्स डिजीज की बात करें तो वही सब पुराने डिजीज है। रूट रॉट कौन कॉज करता है? तो आर्मिलेरिया मेलिया। क्राउन रॉट बोल दिए तो कौन कॉज करेगा? तो वही फाइटोप्थोरा स्पीसीज। स्टोरेज रॉट कह दिए तो बोट्राइटिस सिनेरिया। तो ये कुछ डिजीज इंसेक्ट और डिसऑर्डर थे इस क्रॉप के। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं कोई चीज अगर छूट गई होगी तो क्रॉस चेक कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वैरायटी बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वैरायटी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हाँ बोलिए सर। डिसऑर्डर वाला कैसे बोल कौन सा इंसेक्ट वाला? ये यहाँ पे मैं पूरा ही वो कर दिया हूँ, आप लोग देखिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। सर फेंस वाला क्या लिखा है? फैंस के बाद फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम फैसिनेटेड फ्लावर। ठीक है, तो ये एक हाईलाइट करके रखना ना इसमें, रबिंग ऑफ फ्रूट करके। रबिंग ऑफ फ्रूट क्यों करते हैं इसको याद रखना, और पिस्ताचियो नट में वैसे ही रोस्टिंग को याद रखना। हार्वेस्टिंग का महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाता है, याद रखना रखना। ठीक, टीबा ट्रेलिस समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यस। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको सीडलेसनेस करना है तो वही आपका क्या हो जाता है, फ्रूट साइज कम हो जाता है। बाकी आप सीपीपीयू का उपयोग करके आप जो है सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। ये हार्मोन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, हालांकि ये काम का नहीं है। बस पोलिनेशन तो आप लोगों को क्लियर ही है, तो लगभग आप लोगों का पूरा कंप्लीट है। अब केवल और केवल आपकी वैरायटीज बच गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? आप लोग एक बार अपना कॉम्पिटिटिव बुक मैच कर लेना, कुछ चीज छूट गई होगी तो बता देना। हाँ, इसमें गर्डलिंग भी करते हैं, याद रखना। गर्डलिंग तो आप सब समझते हैं ना, गर्डलिंग मतलब स्ट्रिप ऑफ बार्ग को रिमूव करना, उसे हम लोग गर्डलिंग कहते हैं। तो गर्डलिंग करते हैं यंग वाइन्स में, इससे क्या होता है, यील्ड थोड़ा मोड़ा बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस है इतना याद रखना। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इसके मेन वैरायटी पे, जो कि लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी वैरायटी को देखें तो वैरायटी में सबसे पहले तो आप लोग स्टेमिनेट का नाम देख लीजिए। और भैया आपके एलिसन जो स्टेमिनेट में हैंडबुक में दिया हुआ है, तो इसको इसी में लिखना। ठीक है, जिसको स्टेमिनेट या पोलिनाइजर के रूप में लेते हैं, कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था एम ए टी, मेटुआ, एलिसन और टोमुरी। ये तीन वैरायटी पढ़े थे। मेटुआ जो है अर्ली वैरायटीज के लिए है। अर्ली वैरायटीज में काम आता है, जैसे कि कौन सा, एबॉट, ठीक है, या फिर आपका दूसरा आता है क्या, टोमुरी, जो कि आपका लेट सीजन वैरायटी लोगों के लिए है, लेट वैरायटीज के लिए है, जैसे कि हेवर्ड, और एलिसन भी आपका अर्ली वैरायटीज के लिए है। तो ये आपका स्टेमिनेट जो है वो या पोलिनाइजर के रूप में काम आता है। ठीक है, यहां तक हुआ, इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा आता है पिस्टिलेट वैरायटीज। पिस्टिलेट यानी कि जिससे हम फ्रूटिंग लेते हैं, इनको तो हम पॉलिनाइजर के रूप में लेते हैं। तो इसमें आता है एबॉट, अर्ली वैरायटी, अर्ली फ्लावरिंग है। ठीक है, दूसरा आता है वैरायटी एलिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया, मोस्ट
पॉपुलर वैरायटी ऑफ इंडिया, इसके लिए अगर मुझे करना है तो ये अर्ली वैरायटी है एलिसन, देख रहे हो, तो इसके लिए हम मटुआ को एज एन पोलिनाइजर यूज कर सकते हैं, मेटुआ को पोलिनाइजर यूज कर सकते हैं। फिर आता है ब्रूनो, ब्रूनो में लॉन्गेस्ट फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। चौथी वैरायटी लिख लेना हेवर्ड, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर वैरायटी हेवर्ड, एलिशन इंडिया की, एवॉर्ड ब्रूनो, ये चार नाम तो भूलना ही नहीं है। और एक लास्ट मोंटी, ठीक है इतना याद रहेगा ठीक। इसके अलावा एक दो वैरायटीज जो आपको अलग से याद रहनी चाहिए, ठीक है, न्यू वैरायटीज भी कह सकते हैं, जैसे कि हॉट 16 या फिर इसी को गोल्ड कीवी फ्रूट भी कहते हैं, गोल्ड कीवी फ्रूट कह लो, हॉट 16 कह लो, इसको जो है ना जेपरी गोल्ड के नाम से भी रिलीज किया गया है, जेपरी गोल्ड भी इसी का नाम है, हॉट 16 ऑब्लिक गोल्ड भी इसी का नाम है, इसको ना जेपरी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उन्होंने इसको डेवलप किया है, इसलिए इसका जेपरी नाम है, तो इसको याद रखना, ये एक वैरायटी है। इसके अलावा कुछ वैरायटीज आप लोग हैंडबुक और कॉम्पिटिटिव बुक्स में और चेक कर लेना, बाकी लगभग जो है वो यही वैरायटीज है जहां से क्वेश्चन आएगा। अबॉट एलिसन, ये जो ऊपर की जो वैरायटीज मेल और फीमेल में लिखा है इसको बिल्कुल नहीं मिलना है, और नीचे वाला अबॉट हॉट 16 को, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? थोड़ा बहुत अर्ली मीट वगैरह को आप लोग अपने हिसाब से, वैरायटी को आप लोग अपने हिसाब से देख के याद कर लेना, बाकी लगभग जितनी चीजें कीवी फ्रूट में जरूरी थी वो सारा कवर हो गया है। आप लोग एक बार हैंडबुक और कीवी फ्रूट का, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, गोल्ड कीवी फ्रूट की वैरायटी वही है या अलग है? एक ही है, एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है, एक ही वैरायटी के है, ठीक है। तो एक बार आप लोग बुक मिला लेना, उससे तो थोड़ा ज्यादा ही अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, फिर भी देख लेना, कोई चीज अगर छूट गई होगी तो मुझे बता देना कॉम्पिटिटिव बुक देख के, ठीक है। तो कीवी फ्रूट में अगर हम लोग देखें तो मैं आप लोग को एक बार इम्पोर्टेंट बता दूं, तो कीवी फ्रूट में उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पीसीज का कैरेक्टर आप लोगों के समझ के लिए है, याद रखो तो अच्छी बात है। क्रोमोसोम नंबर इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आर्ग्यूटा को एज एन कोल्ड रेजिस्टेंट याद रखिए होगा, ठीक है। ओरिजिन चाइना याद रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके नामों को याद रखना, खासकर चाइनीज गुसबेरी, चाइनीज और इंडियन में कंफ्यूज करेगा। फिर उसके बाद कीवी फ्रूट को और क्या क्या कहते हैं, ये हिस्ट्री आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर है। डेसीड्यूस है, वाइन क्रॉप है, इसको याद रखना। कीवी फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो इसका एंजाइम, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ट्रेनिंग सिस्टम, वो आप सभी लोग याद रखेंगे। क्या है ट्रेनिंग सिस्टम? उसके बाद ट्रेनिंग सिस्टम, प्रूनिंग सिस्टम तो हो ही गया, विंटर समर कब यूज करते हैं, क्यों करते हैं, उसको याद रहे तो अच्छी बात है। फिर मेल फीमेल ट्री का डिफरेंस वगैरह आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखिएगा। तो लगभग इसमें इतनी चीजें हैं, ट्रिपल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व एक चीज है जो जानने लायक है, और दूसरा नाइदर क्लाइमेट्रिक नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक, ये जानने लायक है, और बस पोलिनेशन किसमें होता है ये। तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग एक बार जरूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो तुरंत में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को कीवी फ्रूट में कैसे फ्रूट डेवलप होता है, सारा चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा।